मथरूका वक्फे अमलाक बोर्ड का लाल हवेली को बेदखली का नोटिस। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफी अपने वकील सरदार अब्दुल रजाक के हमरा अदालत में पेश हुए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मथरूका अमलाक को कल तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा कि हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, हमेशा अपने लोगों की खुशहाली को तरजीह देंगी, ईमानदारी और दयानदारी से हल्के और पार्टी की खिदमत जारी रखेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने इलेक्शन असेंबली में जाने के लिए नहीं लड़ा, इस मुतालबे पर लड़ा है कि आम इंतखाबात कराए जाएं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब आवाम ने फैसला दे दिया है तो हमारे साथ बैठकर इलेक्शन का तरीकाकार तय किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो नशिस्तों पर कामयाबी के बाद कहा कि कराची और मुल्तान से अलविदा पीटीआई। कहा 2018 में चोरी की गई नशिस्तों पर इमरान खान को शिकस्त देने पर मुबारकबाद। इमरान खान को शिकस्त देने पर मूसा गिलानी और अब्दुल हकीम बलोच को मुबारकबाद दी। खबरों में फिर वक्त इतना ही, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें MNN News Live।